इस्लामाबाद से खबर शामिल करते हैं जहां पर स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की में अकलियतों के किरदार को सराहते हुए कहा है कि मुख्तलिफ मजाहब के सैरोकारों के दरमियान इत्तेहाद रवादारी बैन मजाहब हम आहंगी और भाईचारे को मजीद फरोग देगा। मंगल को स्पीकर हाउस में अकलियती बरादरी के एक वफद से मुलाकात में उन्होंने कहा कि आईन के तहत पाकिस्तान में अकलियतों को मसावी हकूक हासिल है। आईन तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज रंग और नस्ल मसावी हकूक फराहम करता है। हुकूमत के शाना बशाना पार्लियामेंट अकलियतों के हकूक के तहफ्फुज के लिए हमेशा अपना किरदार अदा करती है। उन्होंने मुल्क की मजमूई तरक्की बिलखसूस तालीम सेहत समाजी बहबूद और बैन मजहब हम आहंगी के फरोग में मसीही बरादरी की काबिल सिताइश खिदमात को सराहा। स्पीकर ने वफद पर जोर दिया कि अकलीती बरादरी के हकूक के तहफ्फुज और मुल्क में उनके लिए मसावी मौका पैदा करने में रियासत की तारीखी कामयाबियों को उजागर करें। स्पीकर ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक मुकम्मल तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि वो अपने तमाम शहरियों की जरूरियात को पूरा न करे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में अकलियतें हमारे पड़ोसी मुल्क में अकलियतों के मुकाबले में रियासत से काफी मुतमईन है। डेलीगेशन में सैमुअल प्यारा राइट रेवरेंड बिशप नदीम यूके कनाडा से तशरीफ लाए परवेज मसीह इम्प्लीमेंटेशन मिनोरिटी राइट फॉर्म पाकिस्तान की लीगल टीम की हेड समीरा हसैन एडवोकेट और काशिफ नहमद एडवोकेट हाईकोर्ट भी इस खसूसी मुलाकात में शरीक थे।